सलाम मेरे अजीज पंखो, ये तुमने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया हुआ है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नहीं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। सब्सक्राइब करो जल्दी, फौरन सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर दो या मैं तुम्हारा फोन तोड़ूं आके। सब्सक्राइब करो जल्दी। नाजरीन और सामीन को खुश आमदीद। वटेरे के बेटे के बाद पेशे खिदमत है कर्नल की बीवी। ये दोनों ही वो लोग हैं जिन्हें जबरदस्ती का VIP ट्रीटमेंट चाहिए। कल परसों ही इस डटी औरत की ना वीडियो इंटरनेट पे धूम मचाले गाती हुई ट्रेंडिंग में जा रही थी, और वीडियो मुझे देख के लगा जैसे किसी आलू से रिकॉर्ड की गई है। टॉपिक से हटके यार मेरी ना बात सुनो, जब भी कभी कुछ फटे वाला सीन रिकॉर्ड करने लगो ना तो यार मेहरबानी हॉरिजॉन्टल में कर लिया करो, जस नहीं आई यार ये वीडियो की क्वालिटी से। खैर, मैं अक्सर सोचती होती थी कि लोग वुमेन एंपावरमेंट से इतना डरते क्यों हैं, कि जी वुमेन को तो पावर ही नहीं मिलनी चाहिए। पर इन डटी खातून को देख के ना भाई मेरे तो 14 तबक ऐसे रोशन हुए। मैं समझ गई हूँ कि जब ऐसी साइकोपैथ को पावर मिलती है ना तो वो यही चंद चढ़ाता है। वो क्या कहते हैं कि कमीने जब रूज पाते हैं अपने माजी को भूल जाते हैं, बस यही बात है सारी। ये जंगली डड्डू क्योंकि फौज के किसी मुलाजिम की बीवी है तो इसको लग रहा है कि ये अनटचेबल है, कि मतलब इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और हाथ लगाने से मेरा मतलब हैरेसमेंट नहीं है, वैसे इनको हैरेस करने का कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब इसको लगता है कि ये अनआंसरेबल है, ये किसी को जवाबदेह है ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस हो कोई भी हो, सबके सब इसके मुलाजिम है। ट्रैफिक पुलिस ने फॉर सम रीजन गाड़ी रुकवाई तो उस विलायती सांड की ऐसी हटिया के पहले तो गाड़ी के अंदर से चीखती रही और फिर गाड़ी के बाहर आकर चार चार मर्दों से ये शेरनी अकेली निमटने लगी। लेकिन मजा तब आया जब इसकी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चली। यकीन करो डड्डो मजा आयो, बेचारी कभी एक पे चीख रही थी कभी दूसरे पे चीख रही थी, लेकिन फिर भी लड़ लुड़ के मर मुर के ये औरत होने का फायदा उठाते हुए गाड़ी को घसीट घसूट के यहाँ से निकल गई बीबी। लेकिन भाई सलाम है कि आगे से ना तो पुलिस वाला घबराया ना डरा कि ये तो मेरे बड़े अफसर की बुड्ढी है, मेरी जॉब जा सकती है, मेरे लाले पड़ सकते हैं। वो भी सोचता होगा कि आखिर ऐसी मर्दाना औरतें मैन्युफैक्चर हो कहाँ रही हैं, उनको बर्दाश्त कौन कर रहा है। ये मर्दाना औरत वाला किस्सा पहली बार तो हुआ नहीं है, पहले भी हुआ था ना जहाँ पे ये वाली खातून सेम हरकत कर रही थी और उसका भी बहुत मजाक बना था। चंगी उदे नाल भी नहीं सी हुई, वहाँ बड़ा मजा लिया था उसका भी। अब ये नवाज शरीफ के मुंह वाली को तो जो लानते पड़ रही है वो तो पड़ ही नहीं है, लेकिन कुछ अक्ल से पैदल पागल बेवकूफ लोग पूरी की पूरी फौज को घुसा के गालियाँ दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये ना अपनी गलतफहमी दूर करो, ऐसे गंदे कीड़े हर जगह पे होते हैं। कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लो, उस जगह ऐसे लोग हैं जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। अब ये काम तो हम भी सारे बचपन में किया करते थे। याद करो ना जब हम टिटे डिटे होते थे, क्लास में किसी से लड़ाई हो जाती थी तो उसको कौन सी तड़ी लगाते होते थे कि तुम सबर करो मैं कल अपने अब्बू को लेके आऊंगा वो तुम्हें बताएंगे। क्योंकि हमें तब भी पता होता था कि मेरे अब्बू फिजिकली स्ट्रांग है, वो तो इसको उठा के एक सेकंड में गटर में फेंक देंगे। तो हम इसलिए यही धमकी लगाते थे, पता हमें तब भी था कि पावर क्या होती है, उसको मिसयूज कैसे किया जाता है। इसीलिए ना किसी एक की वजह से पूरी फौज को गंदा करने वालों, बकवास बंद करो तुम्हारी ऐसी नहीं तैसी। और फिर पहले ही अपनी फौज को करप्टेड शो करने के लिए पहले क्या कम न्यूज चैनल्स हैं जो दिन रात इसी मकसद के लिए लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने फौज को गंदा कर दें और हमारी जो आवाम है वो फौज के खिलाफ हो जाए। और बदकिस्मती से ये असर हो भी रहा है, पूरी पूरी फौज को गालियाँ दी जा रही है। अबे बावलो, ये वो फौज है जो जागती है तो तुम सोते हो, अपनी ही आर्मी से कोई क्यों नफरत कर सकता है, मेरी तो ये समझ में नहीं आती। बाकी गंदे लोग हर जगह होते हैं भाई, अपने घरों में कोई ना कोई ऐसा बंदा एक जरूर होता है जिसकी हरकतें होती मशकूक है। अक्सर घरों में तो बड़ा फर्द क्योंकि एज में बड़ा होता है वो बाकी घर वालों के सर पर बिना वजह का डंडा रखता है क्योंकि वो बड़ा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब बाकी ये किरले के मुंह वाली पहली तो ऐसी औरत नहीं है ना, जो कि औरत तो है पर नस्वानियत इसको छू के भी नहीं गुजरी। पिछले साल मेरे ख्याल लाहौर का कोई मॉल था जिसमें एक ऐसी वहशी औरत जो है वो खुली घूमती हुई नजर आई थी, जिसने बेचारी सेल्स गर्ल को बालों से पकड़ के यूं झूले दिए थे जैसे वो इंसान नहीं है, जैसे कोई बारबी डॉल है। पर ये मोहतरमा भी पुलिस वालों से निडर होकर लड़ाई कर रही थी और साथ कान पे मुसलसल फोन लगा के किसी से बात करना चाह रही थी, लेकिन अगला भी इसका फोन नहीं था उठा रहा। फिर मारिया बी ने भी तो बी ग्रेड हरकत की थी ना कुछ ही महीनों पहले, और फिर जब पुलिस इसके शोहर साहब को पकड़ के ले गई थी तो अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का यूज करते हुए उसको बाहर भी निकलवा लिया था इसने। तो भाई जब तक बदमाश लोग दुनिया में है ना तो ये तो चलता ही रहेगा। जब कोई एक बंदा गलत काम कर रहा है तो उस इंडिविजुअल को सजा दो, पूरी कम्युनिटी को ना रगड़ो बीच में। इनको सजा दो ताकि पता चले कि सबके लिए लॉ एक जैसा है, चाहे आप कर्नल की बीवी हो चाहे वडेरे के बेटे हो। क्योंकि जो काम ये खातून पहलवान करके गई है ना यार, पाकिस्तान का कोई भी आम शहरी करने का सोच भी नहीं सकता। भाई आम शहरी तो पुलिस को देख के डर जाते हैं और अपनी छुपाई हुई चरस की फिक्र में लग जाते हैं जो कि उसके पास होती ही नहीं है, और वो क्राइम्स याद आ जाते हैं जो उसने कभी किए ही नहीं होते हैं। इसलिए ना इसको भी सजा मिलनी चाहिए और वीडियो भी ट्रेंडिंग में आनी चाहिए, मुझे तो और ही ज्यादा मजा आएगा। सर तुम लोग ये बताओ कि इसको सजा क्या मिलनी चाहिए, मुझे नीचे क्रिएटिव पनिशमेंट्स कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतनी था, मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।